नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं 10 मिनट में मावा मिठाई। ये मावा हमें बिल्कुल भी मार्केट से लाने का ज़रूरत नहीं है, घर पे एकदम झटपट बनने वाला मावा से हम बनाएंगे ये मिठाई और टेस्ट एकदम हलवाई जैसा आएगा घर पे। तो ये दिवाली आप ये ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन गरम करने के लिए रखा है और घर का कोई भी जो कटोरी है वो कटोरी से हमें लेना है आधा कप दूध और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये एक ही रेसिपी से आप बहुत सारी आपकी मनपसंद मावा मिठाई बना सकते हो। ये आपके मिठाई का बेस रहेगा और उसको कैसे बनाना है ये मैं आगे बताऊंगी। ये देखिए, इसको अच्छे से बॉईल आ गया है। अभी इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी मिल्क पाउडर। जो कटोरी से हमने दूध लिया था वही सेम कटोरी से हमें 1 कप लेना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो लम्स हो जाते हैं मिल्क पाउडर के। थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए, अभी मैंने ये सारा डाल दिया है। गैस को हमें स्लो पे ही रखना है और इसको हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये इंस्टेंट मावा हम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिल्कमेड ब्रांड का मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपने छोटा वाला मिल्क पाउडर लिया है, लूज वाला, तो इसको पहले आप थोड़ा सा रोस्ट कीजिए और उसके बाद हमें यूज़ करना है। अभी इसको हमें अच्छे से मिक्स करके लेंगे ये मिश्रण को। मिश्रण पैन छोड़ रहा है, ये देखिए, इसको हमें इतना ही पका के लेना है। अभी हम गैस को बंद करेंगे और इसको हम ठंडा करके लेंगे। इंस्टेंट मावा यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे हम 2 पार्ट में मैंने ऐसे डिवाइड करके लिया है। अभी एक पार्ट में डालूंगी मैं वेनिला इसेंस, 3 से 4 ड्रॉप ही हम इसमें डालेंगे। और दूसरे पार्ट में हम डालेंगे कोको पाउडर 1 टेबलस्पून। इसको हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे। सेम जो वेनिला का मिश्रण है उसको भी हम मिक्स करके लेंगे। अभी मैं आपको रसमलाई वाला भी मिक्सर बताती हूँ। यहाँ पे मैंने रसमलाई वाले मिश्रण को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये रसमलाई इसेंस है, 2 से 3 ड्रॉप हमें रसमलाई इसेंस डालना है। यहाँ पे मैं एक वाइट बेस रख रही हूँ और सेम ये दूसरे वाले बेस में मैं रसमलाई इसेंस और जो रसमलाई वाला येल्लो कलर रहता है वो डालूँगी। सेम आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसेंस चेंज करने हैं और उसका कलर। अगर आपको पिस्ता चाहिए तो आप पिस्ता इसेंस डालिए और ग्रीन कलर डालिए। ऑरेंज वाला चाहिए तो आप ऑरेंज इसेंस डालिए और ऑरेंज कलर डालिए। ये एक ही बेस से आप बहुत सारे वेरिएशंस बना सकते हैं। यहाँ पे आप बर्तन कोई भी ले, हमें चारों बाजू से घी अच्छे से लगा के लेना है। यहाँ मैं आपको चॉकलेट वाला दिखा रही हूँ। ये देखिए, जो चॉकलेट का वाइट बेस है जिसमें हमने वेनिला इसेंस डाला था वो हम नीचे डालेंगे और इसको हम ऐसे शेप देंगे। ये मिक्सर आपको बहुत कम लग रहा होगा पर इसके 4 से 5 पीस आराम से बनते हैं। यहाँ पे आपको कितना थिकनेस पसंद है वो हिसाब से आप थिकनेस रखिए। इसके ऊपर हम ऐसे दूसरा वाला जो बेस है चॉकलेट वाला वो हम रख देंगे और इसको थोड़ा हमें ऐसे प्रेस करके लेना है। जैसे हमें चॉकलेट का किया था वैसे ही सेम हमें रसमलाई वाला भी सेट करके लेना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगाएंगे पिस्ता। इसके ऊपर हम लगाएंगे ये चांदी का वर्क। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अभी इसको हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए और उसके बाद हम इसके पीसेस कट करके देंगे। पीसेस हम जब कट करेंगे तो नाइफ हमारा शार्प होना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंट मावा से बनने वाली चॉकलेट और रसमलाई बर्फी बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।